हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसी लेक्चर सीरीज की कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अदर रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन होता है, और यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलार फॉर्म में और कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई डी, तो इसका पोलार फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही होता है। तो पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। मॉडुलस का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर से मैं बता चुका हूँ। और थीटा यहाँ पे होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्गुमेंट होता है ये, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इसको यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ये जो है एक फार्मूला होता है, ये याद रखिए, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। तो अब हम इस इक्वेशन में cos थीटा प्लस i sin थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, e टू द पावर i थीटा से। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब लॉगरिथम कैसे लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लिया जाता है ये हम देखते हैं। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर हम जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी ले लें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलेरियन फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। अब हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आर ई टू द पावर आई थीटा। लॉग लेंगे तो लॉग का रूल आप लोगों को पता ही होगा कि जब दो नंबर का या दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, इसका लॉग लेना हो, तो क्या हो जाता है, लॉग आर प्लस लॉग ई। हम यहां पर लॉग की बेस क्या ले रहे हैं, ई। तो लॉग आर प्लस लॉग ई बेस है और ई टू द पावर आई थीटा फंक्शन है जिसका लॉग लिया जा रहा है। तो लॉग का एक और फार्मूला, ये जो पावर होता है वो मल्टीपल पुट बन जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है आई थीटा। और एक फार्मूला और है कि लॉग का बेस और जिसका लॉग निकाल रहे हैं दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। ये लॉग का बेस और जिसकी लॉग निकाल रहे हैं दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू वन। तो लॉग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसमें से हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो लॉग प्लस में हो जाता है, और जब पावर में रहता है तो सामने मल्टीप्लाई में आ जाता है, और जब लॉग का बेस और जिस फंक्शन का लॉग निकाल रहे हैं दोनों सेम होता है तो उसके लॉग की वैल्यू वन होती है। तो ये हो गया। और आर क्या चीज है, आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो थीटा की जगह आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर की जगह मॉड जेड। तो इस प्रकार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉगरिथम निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है तब भी से देखिए, ये क्या है, रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है तब भी से इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बाकी चीजें हैं जैसे मॉडुलस फाइंड करना, ये हमको आता ही है, पहले के वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आर्गुमेंट निकालना, ये भी पहले के वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब इसको हम एक दो एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे पोलार फॉर्म और
यूलेरियन फॉर्म हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, जेड इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लाना या पोलार फॉर्म बोले। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले पोलार फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर का मतलब होता है मॉड ऑफ जेड। तो आर की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, आई का वन है तो वन स्क्वायर, तो ये थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर रूट टू, तो यहाँ पे आर की वैल्यू टू मिल गया। अब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, और जेड का आर्गुमेंट निकालने का एक अलग से वीडियो लेक्चर मैं डाला हूँ, आप लोग देख चुके होंगे, या नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, तो आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये होता है आर्गुमेंट का फार्मूला। लेकिन आर्गुमेंट सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला से हम नहीं निकालते हैं, ये पहले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है देखते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट पेयर में लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहीं पर भी रूट थ्री वन, सपोज ये वाला पॉइंट है रूट थ्री वन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आर्गुमेंट होता है ये एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी, तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है, ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो एक्यूट एंगल होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि टेन की वैल्यू वन बाय रूट थ्री किस एंगल पे होता है, टेन की वैल्यू वन बाय रूट थ्री किस एंगल पे होता है, थर्टी डिग्री पे होता है। टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, हम देख सकते हैं टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई रूट थ्री होता है, इसलिए थर्टी डिग्री इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ पर टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री की वैल्यू थर्टी डिग्री। अब इस थर्टी डिग्री को हम किस में चेंज कर देंगे, रेडियन में। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी पोलार फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को या आर्गुमेंट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियन में करना हो तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो 36 जा 180, तो ये हो गया पाई बाय 6, तो ये जो एंगल हो गया पाई बाय 6 आर्गुमेंट। तो आर आ गया मतलब मॉड जेड आ गया और थीटा दोनों मिल गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, इसका पोलार फॉर्म जो क्वेश्चन दिया उसका आर मतलब 2 और कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। तो ये जो हम अभी एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर रूट थ्री प्लस आई, उसका ये पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया। इसी का यूलेरियन फॉर्म क्या होगा या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2 ई टू द पावर आई पाई बाय 6, इसको हम e टू दी पावर आई थीटा लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को। तो हम अगर इसमें यूलेरियन फॉर्म पूछा या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा तो इसका ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम और एग्जांपल देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस आई। तो इसका हम पोलार फॉर्म क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर की वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड मतलब माइनस रूट थ्री स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर फोर का स्क्वायर रूट टू, तो मॉडुलस तो इजी है,
अब हम आर्गुमेंट निकालते हैं एंड थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो ये क्या आ जाता है? टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। तो हम पहले डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस रूट थ्री माइनस वन होगा, और माइनस माइनस है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, कहीं पर ये पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, रूट थ्री माइनस वन, माइनस रूट थ्री माइनस वन। अब यहाँ पर जो आंसर लाना है, मतलब थीटा लाना है आर्गुमेंट, वो क्या होता है? प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। लेकिन हम सबसे पहले क्या लाते हैं, मैं आर्गुमेंट जिस वीडियो लेक्चर में बताया उसमें बता चुका हूँ, सबसे पहले हम इसका एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। एक्यूट एंगल जो फाइंड करते हैं वो वास्तव में एक्स एक्सिस के साथ होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो या निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका एक्यूट एंगल तो अभी टेन की वैल्यू वन बाई रूट थ्री किस एंगल पे होता है? थर्टी डिग्री पे। तो अब डायग्राम में हम देखते हैं कि थर्टी डिग्री कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, ये न्यून कोण दिखाई दे रहा है, एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया थर्टी डिग्री, ये आ गया थर्टी डिग्री। लेकिन हमको फाइनल आंसर, एक बार रिपीट कर देता हूं, आर्गुमेंट निकालने का तरीका है कि उस पॉइंट को कौन से क्वाड्रेंट में है देखते हैं, फिर हम यहाँ पर एक्यूट एंगल निकालते हैं, तो इसका एक्यूट एंगल 30 डिग्री आता है, और वो जो एक्यूट एंगल आता है वो कौन सा आता है, ये जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर और इस ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, वो एक्यूट, तो किसके साथ एक्यूट बना रहा है? निगेटिव एक्स के साथ। लेकिन हमको फाइनल आंसर किसके साथ लेना है? आर्गुमेंट प्लस एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल लेना है। तो ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। तो ये एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तब आंसर को निगेटिव एंगल को हम निगेटिव लेते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अब एक आंसर ये ले सकते हैं, ये भी एंगल क्या है? प्लस एक्स एक्सिस के साथ, ये 30 और ये 180 क्या हो जाएगा? 210। तो यहाँ पर दो एंगल आ सकता है माइनस 150 डिग्री। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस में लेते हैं 210 आ जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री है प्लस ये 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। और ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज की वजह से इसको माइनस में लेते हैं। अब इसको रेडियन में बदल सकते हैं, माइनस 150 को 5/180 से मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा 3/5 मतलब -5/6। तो अब आर्गुमेंट आ गया और मॉडुलस तो पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा? पोलार फॉर्म आर की वैल्यू 2 और यहाँ पे होगा कॉस ऑफ -5/6 प्लस आई साइन -5/6। ये हो गया आर्गुमेंट, सॉरी मतलब ये हो गया पोलार फॉर्म, ये फाइनल आंसर। इसको और एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 5/6 माइनस हट गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा तो सामने माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आई साइन 5/6। तो ये आ गया पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इस इक्वेशन के बाद क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जेड इक्वल टू 2a⁻i, थीटा की जगह क्या है? -5/6। तो ये आ गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस प्रकार हम दो एग्जांपल के थ्रू समझ लिए हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हमें लॉगरिथम लेना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का,
तो कैसे लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, लॉग ऑफ वन प्लस आई ले रहा है, तो अभी जो फार्मूला डिराइव किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ इसका मॉडुलस वन प्लस आई का मॉडुलस प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आई, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब में देखिए मॉडुलस आ रहा है आर्गुमेंट, अभी पोलार फॉर्म में भी है मॉडुलस आर्गुमेंट निकाले, यहां भी वही काम करना है, तो लॉग ऑफ वन प्लस आई का मॉड मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका रूट टू हो जाएगा, और आर्गुमेंट तो हम निकाल चुके हैं इसका पाई बाय फोर, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ये पहले की वीडियो लेक्चर में वन प्लस आई का मैं बता चुका हूं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी जो लिए थे लॉग ऑफ रूट थ्री प्लस आई, इसका अगर हमको लॉगरिथम निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड रूट थ्री प्लस आई और प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ रूट थ्री प्लस आई, अब क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस टू निकालें अभी और इसका एंगल कितना निकालें आर्गुमेंट पाई बाय सिक्स, तो ये आ गया लॉग ऑफ रूट थ्री प्लस आई, और एग्जांपल देख सकते हैं लॉग ऑफ माइनस रूट थ्री माइनस आई, तो क्या होता है इसका मॉडुलस टू है और इसका आर्गुमेंट अभी क्या निकालें माइनस फाइव पाई बाय सिक्स, तो इसका लॉग ये हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको काम वही करना है जो हम उसमें किए पोलार फॉर्म में किए, वही काम लॉगरिथम लेने में भी करना है, तो अब आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है कैसे लेना है समझिए, और इसका पोलार रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और यूलेरियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा, अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है समझ में आता है तो और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके, मेरा उद्देश्य ही है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जिससे भी रिलेटेड है अगर अच्छा बनता है मेरे से वीडियो समझ में आता है आप लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को फ़ायदा मिले और यही मेरा उद्देश्य है, तो चलिए आगे की वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, थैंक यू।